सवाल, संधिवारात्रि क्या है? संधिवारात्रि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझिए। दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुका रहता है। लेकिन इस समय पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है, न ही उसकी दूसरी ओर। दोस्तों, आप सभी चित्र में ये भी देखा होगा कि पृथ्वी पर कुछ अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस तिथि को सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में बांटता है। दोस्तों, यदि आप टॉर्च से एक गेंद पर सीधे प्रकाश डालेंगे तो देखेंगे कि गेंद के पूरे आधे हिस्से पर प्रकाश होगा और आधे पर अंधेरा। ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच होने पर दिन और रात दोनों ही बराबर हो जाते हैं। इस तिथि को ही हम संधिवारात्रि कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम किताब के द्वारा दिए गए जवाब को भी देख लेते हैं। जवाब, 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथि, पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है, न ही उसके विपरीत। इस तिथि को सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इस तिथि को दिन और रात दोनों ही बराबर होता है। इस तिथि को ही हम संधिवारात्रि हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। Promise that you'll never be lonely.